दीपावली से पहले बड़ी सौगात बिहार सरकार ने दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी दीपावली से पहले बिहार वासियों की सरकार की यह बड़ी सौगात है। बक्सर और बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया। 9469 नव चयनित स्वास्थ्य कर्मियों को बांटे गए हैं नियुक्ति पत्र। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नियुक्ति पत्र का वितरण किया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज बक्सर और बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया। अब तक कॉलेज की संख्या 18 थी, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी। जल्द ही ये कॉलेज बनकर तैयार होंगे, अस्पताल बनकर तैयार होंगे। दीपावली से पहले ये बिहार वासियों को बड़ी सौगात माना जा रहा है। आज शुक्रवार का दिन एक बेहद दिन है बिहार की जनता के लिए। 9469 नव चयनित स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। आपको बताते चले कि जल्द ही तैयार हो जाएगा ये मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। उसके बाद इसमें बच्चों के भविष्य को सुधारा जाएगा और ज्यादा निखारा जाएगा, और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्तियां भी ज्यादा से ज्यादा की जाएगी, चाहे वो डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सेज हो, हर विभाग में जल्द से जल्द नियुक्ति की जाएगी। बक्सर और बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया। आपको बता दें कि 1030 करोड़ की लागत से दो नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनकर तैयार होंगे। बिहार के दोनों छोर में ये तैयार किए जाएंगे। बिहार में फिलहाल 18 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हैं। फिलहाल 11 सरकारी और 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। बेगूसराय और बक्सर के बाद 20 मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएंगे। तो बड़ी सौगात बिहार की जनता के लिए, बिहार के विकास के लिए और बिहार के युवाओं के लिए। जहां एक तरफ बिहार सरकार ने वादा किया था कि रोजगार दिया जाएगा, 20 लाख रोजगार देने का वादा किया था, उसी वादे को पूरा करती नजर आ रही है महागठबंधन की सरकार। हालांकि अभी जब संबोधित किया था तेजस्वी यादव ने, उस दौरान उन्होंने ये कहा भी था कि हमने जो वादा किया है 20 लाख रोजगार देने का, उस वादे को पूरा करना ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रायोरिटी है। और अब बिहार में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी। We'll be right back.